देखो तो सिंपल सा इसमें क्या करना है ना कि अगर हम एटीई एटीई का एरिया मान लो 2 है और एबीसी का एरिया 10 है, पूरे एरिया पूरा ट्रायंगल का एरिया 10 है और इस छोटे वाला का एरिया 2 है, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना है 8 हो गया इजीली। तो अगर हम एक बार पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इस छोटे वाला का एरिया निकाल लें और बड़े वाला ट्रायंगल में से छोटे वाला का एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब फिर तो रेशियो आराम से निकाल ही सकते हैं ना, तो वही काम करना है। तो सबसे पहले तो आप सिमिलर कर लोगे, ठीक है ना। पहले यहां से लिखोगे कि ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर कर लो। तो एंगल ए के बराबर कॉमन है ना, फिर एंगल ए डी बी ए डी ई बराबर है एंगल ए बी सी का करस्पॉन्डिंग बीसी के बराबर, ठीक है। तो ए डी ई ए बी सी के बराबर में है करस्पॉन्डिंग एंगल, यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल कर दोगे तो फ्रॉम एंगल एंगल ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ए बी सी हो गया ना। इसका मतलब हो गया कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी एक बार शुरू कितना हो गया डी ई का स्क्वायर बाय में बी सी का स्क्वायर। तो डी ई आप यहां से ले लीजिए, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो गया आपका ए टी ई तो मतलब डी ई कितना है आपका, डीई दिया हुआ है आपका 3:5, इन दोनों का रेशियो क्या 3:5, यहां पर 3:5 का स्क्वायर कर दो 9:25, मतलब कि बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया हुआ 9, इसका एरिया हुआ 9 और पूरे का एरिया हुआ 25 हुआ ना। तो अगर हम इसका एरिया मानते हैं 9 के तो एबीसी का एरिया मानेंगे कितना 25 के, तो इसका मतलब कि बी डी ई सी का एरिया कितना आएगा 16 के। तो अब दोनों का रेशियो निकाल लो, दोनों का रेशियो निकल जाएगा ना, तो अब उसका रेशियो हो जाएगा 9:16, क्लियर। तो फिर वहां से निकाल लेना खुद से, बस इसमें से उसका माइनस कर दोगे, वो माइनस करने पर वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से तुम ऐसे लिख दो कि एरिया ट्रायंगल बी डी ई सी एरिया ट्रायंगल ए बी सी एरिया ट्रायंगल ए डी, इसको मान लीजिए थोड़ा देखिए 25 के माइनस 9 के 16 के मान लिए हैं। यहां पर लिख दोगे कि लेट ए टी ई का एरिया 9 के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 25 के, वो आ गया। और फिर आप दोनों का रेशियो तुम इजिली निकाल सकते हो, इसको निकाल लोगे ठीक ना।